वीडियो में हम नए संसद भवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक है और काफी ज्यादा डिमांड में है। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, 28 मई को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, 28 मई 2023 को। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? कौन है यह? यह हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इनके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला देखिएगा, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? यह सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, बीमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, नई संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, जबकि इसकी डिजाइन को अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंजाम दिया है। अगला सवाल है, नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं? देखिए 1200 करोड़, कितने 1200 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है नया भवन हमारा, ठीक है, नया संसद भवन। यहाँ पर आप पीछे देख रहे होंगे, ये जो गोल आकार में बना हुआ है यह पुराना है, ये बना था 1921 में, शुरू हो गया था इसका काम बनना और 1927 में यह बनकर तैयार हो गया था, ये पुराना वाला संसद भवन। इसको बनने में उस समय 83 लाख इतने रुपए का ही खर्च आया था, लेकिन अब जो बनाया गया है सन 2023 में जो बनकर तैयार हुआ है, इसको बनाने में 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। चलिए नेक्स्ट है, नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता है? कितने इसमें बैठ सकते हैं? देखिए 888 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं, इतने बैठ सकते हैं, याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहां पर कवर करेंगे। नए भवन की लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा के चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, बहुत ज्यादा बड़ा बनाया गया है। नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? कब रखी गई थी? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, 10 सितंबर 2020 को नई संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया, ज्यादा समय नहीं लगा, 3 साल में ही यह बनकर तैयार हो गया था। और जो पहले बनाया गया था, जो पुराना बनाया गया था, उसको बनने में करीबन 5 साल के आसपास का समय लगा था, है ना। ये देखिए, अगर हम वर्ग मीटर की हम बात करें कि कितने एरिया को घेर रहा है, तो 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत है, जो किस शेप में बनी है, किस आकार में, त्रिकोणीय आकार की बनी हुई है, ठीक है, यह शेप भी आप याद रखिएगा। जो पुराना है वह गोल आकार में बना है, लेकिन जो अब नया बना है यह 4 मंजिल भी है और त्रिकोणीय आकार में बना हुआ है। चलिए अगला देखिएगा, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार है, कितने मुख्य प्रवेश द्वार है इसमें? तो 3 है, ठीक है, 3 है, तीनों का वैसे अलग अलग नाम है। देखिए आगे गौर करते हैं, इस इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं, एक का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार, है ना, ज्ञान शक्ति कर्म द्वार, ये 3 मुख्य इसके द्वार हैं। इसमें VIP सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? जैसे आप यहाँ पर डिजाइन देख रहे हैं, लोकसभा कक्ष और राज्यसभा कक्ष दोनों की थीम अलग अलग है। जो लोकसभा कक्ष थीम आपको दिख रही है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह राष्ट्र पक्षी मोर के पंख की तरह आपको डिजाइन देखने के लिए मिलेगी। जो हमारे देश का राष्ट्र पक्षी है मोर, उसके ऊपर यह थीम रखी गई है लोकसभा कक्ष की, है ना। चलिए अगला देखिएगा, नई संसद की राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? राज्यसभा की थीम अगर आप देखें, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यह आपको राष्ट्रफूल कमल की तरह दिखेगा, ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? राष्ट्र पक्षी मोर है, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, और राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? राष्ट्रफूल कमल जैसी है, ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा लाइट पिंक इस तरह से कलर देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का
सिक्का जारी किया गया, सिक्का भी जारी किया गया है और डाक टिकट भी जारी की गई है, याद रखिएगा। तो सिक्का कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है, 75 है ना, 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है इसमें, इस उपलक्ष पर स्पेशल कॉइन है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपए का सिक्का और एक विशेष स्मारक का डाक टिकट भी जारी किया गया। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।